फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो कि कैसे आप घर में आपकी हेयर को स्ट्रेटन कर सकते हैं जस्ट लाइक पार्लर। यहां पर मैं आपको कोई भी रेमेडीज की, होम रेमेडीज के बारे में नहीं बताऊंगी। एग्जैक्टली पार्लर में जो जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वही स्टेप्स फॉलो करके, वही प्रोडक्ट्स यूज करके घर में आप कैसे खुद से मतलब आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बस आप खुद से ही आपकी हेयर को कैसे स्ट्रेटन कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ, वही मैं आपसे आज शेयर करूंगी। बहुत सारी गर्ल्स ऐसे हैं कि पार्लर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पार्लर में हेयर स्ट्रेटनिंग करना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 3,000, 4,000, 5,000 खर्चा होता है। बट डोंट वरी गाइज, आप घर में विदिन 300 आपकी हेयर को स्ट्रेटन कर सकते हैं। जो चाहिए आपको इस तरह की एक किट एंड ऑल्सो एक हेयर स्ट्रेटनर आपको ऑब्वियसली चाहिए, चाहे वो लो क्वालिटी की हो, मतलब 700-800 में आपको जिस तरह की हेयर स्ट्रेटनर मिलती है उसी से भी काम चल जाएगी। तो मैं ये जो यूज कर रही हूँ स्टिक्स का कैनवो लाइन, इसके साथ आपको क्या मिलती है गाइज, हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम मिलती है एंड न्यूट्रलाइजर क्रीम मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज करना होता है, उसके बाद आपको यूज करना होता है न्यूट्रलाइजर क्रीम। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दूंगी। सो ये जो प्रोडक्ट है गाइज, इसकी प्राइस है 290 रुपीज। अगर आपकी हेयर लेंथ मुझसे भी बड़ा है, आप ऑब्वियसली दो ऐसी किट आपको चाहिए, एंड अगर आपकी हेयर लेंथ मुझसे थोड़ा छोटा है या फिर आप बॉय हो तो आपको एक ऐसी किट से चल जाएगी। तो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को आपको पहले एक कांच की बॉल में लेना होगा, उसके बाद आप चाहे अगर आपके पास कोई ग्लव्स हो आप ग्लव्स पहन लीजिए, या फिर आप खाली हैंड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हेयर को पहले आप डिटैंगल कर लीजिए कॉम करके, उसके बाद हेयर को टू पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको छोटा छोटा सेक्शन लेना होगा, पीछे से आप इस तरह से छोटा छोटा सेक्शन लीजिए जस्ट लाइक दिस, इस तरह से सेक्शन आपको लेना होगा। एंड ये जो क्रीम है हेयर रूट से 1 सेमी छोड़ के आपको पूरा इस तरह से लगा लेना होगा, पूरा आप लगा लीजिए एंड इसे पीछे कर दीजिए। मेक श्योर कि आपकी हेयर बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल भी इस तरह से टैंगल ना हो या फिर इस तरह से उलझ ना जाए, आप बस इसे सीधा रखिए। तो इस तरह से पूरी हेयर को पीछे से ले लेकर आपको छोटा छोटा सेक्शन लेके पूरी हेयर को इस क्रीम से ढक देना होगा, मतलब पूरी हेयर पर, हर एक स्टैंड पर ये क्रीम पहुंचना चाहिए। तो पूरी हेयर पर इस तरह से आप अप्लाई करने के बाद, आप चाहे तो पूरी हेयर पर एक बार कॉम्ब अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको क्या होगा आपकी हेयर अगेन पूरा सीधा हो जाएगा एंड ये जो क्रीम है हर एक स्टैंड पर पहुंच जाएगी। इसके बाद इसे आपकी हेयर पर छोड़ देना होगा मिनिमम 30 मिनट्स के लिए, आप चाहे तो 40 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। 30 मिनट्स के बाद आप हेयर को लुकवम वाटर से वॉश कर लीजिए, आपको यहाँ पर शैम्पू करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉश करने के बाद आप हेयर को हेयर ड्रायर से ड्राई कर लीजिए या फिर आप फैन के नीचे, मतलब हाई स्पीड जो फैंस होती है उसमें भी आपकी हेयर को सुखा लीजिए। हेयर सूखने के बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज हेयर स्ट्रेटनिंग। आपको अभी हेयर स्ट्रेटनर यूज करना होगा। तो हर एक स्टैंड पर आपने जहां जहां पर क्रीम अप्लाई किया, आपकी अगेन छोटी छोटी सेक्शन लेके आपको हेयर स्ट्रेटनर चलाना होगा। तो आपको इस तरह से हेयर स्ट्रेटनर मूव करते हुए चलाना होगा, एक एक स्टैंड पर आप 3 से 4 बार हेयर स्ट्रेटनर चला सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरी जो आपकी एंटायर हेयर है छोटी छोटी सेक्शंस बना के आप हेयर स्ट्रेटनर अप्लाई कीजिए, इससे आपकी हेयर ना परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब आपने जो हेयर स्ट्रेटनर क्रीम यूज किया है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी, आपकी हेयर आगे 6 महीने तक आपकी हेयर इस तरह से स्ट्रेट रहेगी। तो पूरी हेयर पर हेयर स्ट्रेटनर अप्लाई करने के बाद आपको यूज करना होगा न्यूट्रलाइजर क्रीम। तो अगेन आप न्यूट्रलाइजर जो क्रीम है अगेन सेम तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस बना के दोनों पार्ट को, इस तरह हेयर को दोनों पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके छोटे छोटे सेक्शंस में न्यूट्रलाइजर क्रीम अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद उसे अगेन आपको छोड़ देना होगा 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद आप हेयर को अगेन वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद आप हेयर को ड्राई कर लीजिए, ड्राई करने के बाद आप चाहे तो अगेन स्ट्रेटनर चला सकते हैं। तो स्ट्रेटनर चलाते हुए आपकी हेयर को ड्राई कर लीजिए एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपकी हेयर एज इट इज रहेंगे आगे 6 महीने तक। बट हाँ, आपको और भी छोटी छोटी कुछ चीजें ध्यान में रखना होगा, जैसे कि आपकी जो ये हेयर है जो स्ट्रेटन हो गई है, इसे आपको अगले 3 दिन तक एज इट इज रखना है। आप हेयर को वॉश नहीं करेंगे, आप हेयर को टाई नहीं करेंगे, आप हेयर पर कोई भी क्लिप अप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे इस तरह से। आई गारंटी कि आपकी बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी एंड आपको सेम, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेगी। तो ये जो मिथ होती है ना कि पार्लर में
नहीं जाओगी, उस तरह से रिजल्ट आपको कभी भी घर में नहीं मिलेगी, आप खुद से नहीं कर सकते। मैंने आपको प्रूफ दिखाया गाइस, मैंने खुद से किया है एंड मुझे भी नहीं पता था कि इतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी, खुद से मैं अपनी हेयर को इस तरह से पार्लर लाइक स्ट्रेटन कर पाऊंगी। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और भी ऐसे वीडियोस के लिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टा एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।